हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर में माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे लर्न एंड राइट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्या है माय बेस्ट फ्रेंड? इसमें आपको फर्स्ट नंबर पर दिया गया है राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। क्या है? राम मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो बच्चों, आपको यहाँ पर अगर आपकी फ्रेंड गर्ल है तो आप इसमें अपनी फ्रेंड का नेम लिख सकते हैं। ओके, तो अब इसमें आपको सेकंड पॉइंट क्या दिया गया है, ही इज ऑफ माई एज। क्या है? ही इज ऑफ माई एज, वह मेरी उम्र का है, मतलब वह मेरी आयु है, आयु का है, जैसे सेम एज के होते हैं वह है। जिसकी फ्रेंड गर्ल है वो ही की जगह क्या यूज करेंगे? सी। क्या यूज करेंगे? सी, जैसे सी इज ऑफ माई एज। क्या यूज करेंगे? अगर जिसकी फ्रेंड गर्ल है तो वो क्या यूज करेंगे? सी इज ऑफ माई एज। दीपा, सभी को समझ में आ गई? थर्ड आपको दिया गया है ही इज माई क्लासमेट। क्या दिया गया है? ही इज माई क्लासमेट, वह मेरा सहपाठी है। क्या है? वह मेरा सहपाठी है। क्लासमेट मीन्स क्या होता है? साथ पढ़ने वाला, जो साथ पढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं? सहपाठी। तो क्या है? वह मेरा सहपाठी है। तो फिर अगर जिसकी फ्रेंड गर्ल है तो हम ही की जगह क्या यूज करेंगे? सी। क्या यूज करेंगे? सी। तो फिर क्या बनेगा सेंटेंस? सी इज माई क्लासमेट। क्या बनेगा? सी इज माई क्लासमेट। ओके, तो हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्या है? राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। यदि किसी की फ्रेंड का नेम सीमा है, गीता है, तो क्या बनेगा सेंटेंस? जैसे गीता इज माई बेस्ट फ्रेंड। सेकंड आपको क्या दिया गया है? ही इज ऑफ माई एज। क्या है? ही इज ऑफ माई एज। अगर गर्ल फ्रेंड है तो हम क्या करेंगे? सी इज ऑफ माई एज। क्या करेंगे? सी इज ऑफ माई एज। थर्ड पॉइंट आपको दिया गया है ही इज माई क्लासमेट। क्या है? ही इज माई क्लासमेट। फिर हम ई की जगह क्या यूज कर सकते हैं? सी इज माई क्लासमेट। ये बात सभी को समझ में आ गई? अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट और पढ़ते हैं। अब इसमें आपको फोर्थ पॉइंट क्या दिया गया है? ही हिज फादर इज अ डॉक्टर। क्या दिया गया है? हिज फादर इज अ डॉक्टर, उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। क्या है? उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। अगर जब हम ही यूज कर रहे हैं, सी यूज कर रहे हैं, तो हम ही के साथ हमने हिज फादर यूज किया, तो सी के साथ हम क्या यूज करेंगे? हर फादर। क्या यूज करेंगे? हर फादर। तो सेंटेंस क्या बनेगा? हर फादर इज अ डॉक्टर। क्या बनेगा? हर फादर इज अ डॉक्टर। अब किसी के फादर डॉक्टर है तो हम डॉक्टर लिखेंगे, किसी के फादर यदि बिजनेसमैन है तो हम डॉक्टर की जगह बिजनेसमैन भी लिख सकते हैं, टीचर भी लिख सकते हैं। अगर आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के फादर का ऑक्यूपेशन पता है तो आप उसको राइट कर सकते हैं। ओके, इस पे आपको फिफ्थ पॉइंट क्या दिया गया है? हिज मदर इज अ टीचर। क्या दिया गया है? हिज मदर इज अ टीचर, उसकी माँ है वो कौन है? एक टीचर है। टीचर कहाँ पढ़ाता है? स्कूल में। तो हिज मदर इज अ टीचर, तो हम हिज की जगह क्या यूज करेंगे? हर। क्या यूज करेंगे? हर। तो क्या बनेगा सेंटेंस? हर मदर इज अ टीचर। हर मदर इज अ टीचर, उसकी माँ एक अध्यापक है। अगर किसी की मदर हाउसवाइफ है तो हम टीचर की जगह हाउसवाइफ भी लिख सकते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा?
हिज मदर इज अ हाउस वाइफ या हर मदर इज अ हाउस वाइफ। ये बात सभी को समझ में आ गई। अब इसमें लास्ट पॉइंट आपको दिया गया है, राम इज द बेस्ट बॉय इन माई क्लास। क्या है? राम इज द बेस्ट बॉय इन माई क्लास। आपका जो फ्रेंड है वो अपनी क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। इसमें क्या नेम है? राम। तो राम क्लास में, मेरी कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। अगर आपकी फ्रेंड का नाम गीता है तो क्या बनेगा? गीता इज द बेस्ट गर्ल इन माई क्लास। क्या बनेगा? गीता इज द बेस्ट गर्ल इन माई क्लास, कि गीता मेरी क्लास में सबसे अच्छी लड़की है। ये बात सभी को समझ में आ गई। तो बच्चों, आपका आज का होमवर्क है कि आपको ये 6 पॉइंट लर्न करके अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक पर नीट एंड क्लीन राइट करना है। कल हम फिर से मिलेंगे। बाय।